पूरे 9 साल बाद तोहफा लेके आई हूँ मैं इतना बड़ा। किसने मुझे ये आइडिया दिया था? तो पता नहीं सारा सामान लेकर और साथ में दानिया को लेकर मैं कैसे चलूंगी। क्या इससे मैंने सीखा कि कभी भी जो है ना अकेले ट्रैवल प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बनाएंगे आदि कोरिया में और आदि पाकिस्तान में, क्योंकि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। और बहुत नर्वस हूँ मैं, मैंने 2 किलो वजन कम कर लिया स्ट्रेस ले लेके। स्ट्रेस इस चीज़ का है कि मेरे साथ दानिया जा रही है और दानिया फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेगी, उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी उसकी ज़िंदगी में, जिसके मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि शायद ये रोएगी या तंग करेगी, लेट्स सी जो भी करेगी। तो अभी जो है आज हम पैकिंग करेंगे, मेरे कुछ दोस्त आए हैं मज़ेदार सा खाना लेकर, हम पैकिंग भी करेंगे और खाना खाएंगे और बाहर जाके कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लेकर आएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह माय गॉड, ये लोग जो है ना ये फिर कुछ लेके आए हैं तोहफे, जो हमें जितने भी आते हैं ना हमारे घर में प्यारे प्यारे, इनकी तरफ से आते हैं। क्या लाए हैं आप मुझे दिखाएं? आपके लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए कुछ भी नहीं है? नहीं। लेकिन नरम नरम कुछ ला के रहा। ओह माय गॉड, दिस इज सो क्यूट। पूरे होंगे? आई डोंट नो, दिस आर सो क्यूट। ये सामान बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा है, अभी पैकिंग होनी है। और आज आपको पता है कल तक मैं अपनी टिकट जो है वो कैंसिल कराने के बारे में सोच रही थी। यार अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। ये क्या है? ओह माय गॉड, दानो दानो आपका जहेज आता रहता लगातार है। ये सर्दियों का आपका स्वेटर सामान हो गया आपका, यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है वैसे ही। दिस इज सो क्यूट। मैं ऐसा कुछ आपको पता खरीदने वाली थी लेकिन फिर मैंने नहीं खरीदा। दिस इज सो क्यूट, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से खाना खाएं, खुशबू आ रही है। अम्मी को क्या दर्द निकली हुई है घुटने की, बहुत बुरी। हम हॉस्पिटल से कल होके आए हैं। अम्मी इस बारे में बात नहीं करना चाह रही है, अम्मी बहुत ज्यादा पेन में रही है। दानिश ने पूरा सजा के मुझे दिया है। दानिश इसकी खुशबू तो बिरयानी जैसी लग रही है। बिरयानी जैसे इसका मसाला अरबी आपके मार देंगे यार। मर ठीक है ठीक है। अभी हम बाहर आ गए हैं खाना शाना खाकर और हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। इसके बाद कुछ चीज़ें खरीदेंगे और फिर हम घर वापस जाएंगे और पैकिंग करेंगे, जो कि मैंने अभी तक नहीं की। और सुबह 6 बजे मुझे घर से निकलना है, मेरी फ्लाइट है 10:45। वी हैव टू हरी अप। शॉपिंग कर ली है, दाना भी नींद पूरी करके उठ गई है। ये नर्सरी एरिया है, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। नर्सरी एरिया है जहाँ पर बच्चों को आप फीड करा सकते हैं, डायपर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अम्मी और दादा मेरा वेट कर रहे थे, अभी हम जा रहे हैं घर, जाकर हम करेंगे पैकिंग। नाउ द रियल वर्क बिगिंस। ये मेरे पीछे आप गन देख रहे हैं, ये सारा हमने पैक करना है। और अम्मी तो सीसान मिस करोगे? हाँ जी ज़रूर ज़रूर। तो अभी पैकिंग शुरू करते हैं, हमारे पास बहुत सारा सामान है। आई होप कि 23 किलो से कम ही हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही। अब देखें क्या मेरे साथ जाता है और क्या नहीं जाता। लेकिन वापसी पे क्योंकि मेरे पास वजन ज्यादा हो गया तो पाकिस्तान से आते हुए मैं ज्यादा चीजें लेके आ सकती हूँ। यू वेर चालाक ब्रो। पैकिंग हो गई है, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय करें। बाय बाय, मामी को बाय बोलो, मामी को बाय बोलो। बाय बाय। द नेक्स्ट डे। सुबह बखैर, दानी कितनी खुश है। अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और अम्मी जो है पढ़ पढ़ के दम कर रही हैं। इंशाल्लाह हम खैर से जाएंगे, खैर से आएंगे। दानिया का मूड अच्छा लग रहा है, दानी ने अपनी नींद पूरी कर ली है, मैं तो बिल्कुल नहीं सोई। सारा सामान लेकर और साथ में दानिया को लेकर मैं कैसे चलूँगी? रात को मुझे नींद नहीं आई जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे वैसे भी ट्रेवल एंग्जाइटी होती है लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है। यू नो मेरे साथ छोटा सा बेबी है तो उसका उसकी फर्स्ट फ्लाइट है। I'm pretty worried about it. अभी हम घर से निकलने वाले हैं एयरपोर्ट की तरफ और हमारी फ्लाइट है 10:45 और अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के। हम एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं और अभी हमें पहुंचने में लगेगा 1 घंटा। दानिया जो है शोर मचा रही। आई हैव टू से स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग जर्नी। किसने मुझे ये आइडिया दिया था? खैर क्या इससे मैंने सीखा कि कभी भी जो है ना अकेले ट्रैवल प्लान्स नहीं बनाने चाहिए और हमेशा अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल करें, स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हैं। And Dana looks so confused. She's like, why did you wake me up in the morning?
वो अभी से सोई सोई लग रही है। हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और सामान अपना अभी रखने लगे हैं, दानिया को उठाते हैं। तना 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 ऑलरेडी लुक्स सो टायर्ड। दाना को बहुत भूख लगी हुई है, हमें जल्दी से पहुंचना है। ओके बाय बाय। अभी हम यहाँ पर अपना नाश्ता कर रहे हैं। दानो फाइनली, दानो का मूड भी ठीक हो गया। दानिया के मैंने नॉइज़ ब्लॉकर्स लगा दिए हैं और आई होप सो, अभी हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो चाइना की तरफ है, तो आई होप सो के दाना फ्लाइट में कुछ देर सो जाएगी। A few moments later. अभी हम एक घंटे तक पहुंचने वाले हैं चाइना और दानिया ने बीच में ही थोड़ी देर सोई है। जब हम शुरू में इंशन से हमने अपना सफ़र शुरू किया और उसके बाद जब ये घंटे बाद उठी है तब खाना आ गया था, हमने खाना खाया और अभी दाना का मैंने डायपर चेंज किया, दाना ने दूध पिया है और अभी दाना खेल रही है। अब मुझे नहीं पता चाइना से जो इस्लामाबाद का सफ़र है वो इससे ज़्यादा है, तो आई रियली होप कि वो आराम से गुजरे। मैं दानी के लिए एक्स्ट्रा सीट लूँगी उसमें। और फिलहाल हमारा ऑलमोस्ट 30-45 मिनट्स रह गए हैं चाइना पहुँचने में। वीडियो मुझसे ज़्यादा नहीं बन रही क्योंकि दानिया मेरे साथ है, सामान मेरे पास है। लेकिन अभी हम चाइना पहुंच गए हैं और दानिया को उठाया वो उसकी एक खाला ने जो कि कैमरा पे नहीं आना चाह रही। हम जा रहे हैं अपनी फाइनल फ्लाइट लेने के लिए इस्लामाबाद की तरफ। फाइनल फ्लाइट में बैठ गए हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। What was that face? और दानिया इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब सो फार। लेकिन अभी वाली जो फ्लाइट वो बहुत लंबी है, 6-7 घंटे की है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। ये जो मैंने सीख ली है इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ये बच्चों के लिए बैसनेट जो है वो इंस्टॉल हो सकती है, 12 किलो से कम बच्चे के लिए। और दानिया इज़ हैविंग अ गुड टाइम। You okay? Look at her, she's so cute. हम लैंड करेंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट में। दाना डिड अ रियली ग्रेट जॉब। बाकी बच्चे सारे रो रहे थे, दानी नहीं रोई। लेकिन इसको ऑफ कोर्स केयर की जरूरत थी, तो मैं इसके पास ही थी, मैंने इसको उठाए रखा था, सो रही थी। मेरा बाजू जो है वो नम हो गया लेकिन दानिया ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया बाकी बच्चों की तरह। और मज़े की बात थी, हमारे दोनों तरफ सीटों पे कोई बैठा नहीं था तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। लेकिन ओवरऑल आई कैन से दैट इट इज़ सेफ टू ट्रैवल विद दाना। इतना लंबा सफ़र था लेकिन फिर भी इट वॉज़ अ फन जर्नी। हमें बहुत सारे लोग मिले जो हमारे यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं बाय द वे, और हमारा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा दानिया का भी और मेरा भी। तो अभी हम फाइनली लैंड करने वाले हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में मैं 8-9 साल बाद जो है वो जा रही हूँ, तो दिस इज़ एक्स्ट्रा स्पेशल मोमेंट फॉर मी। पाकिस्तान से जब मैं फ़र्स्ट टाइम कोरिया गई थी तो मेरी जो टिकट थी वो इस्लामाबाद से ली, तो 8-9 साल पहले मैंने 1-way टिकट जो ली थी कोरिया के लिए, जो मेरा सफ़र एक शुरू हुआ था वो इस्लामाबाद से शुरू हुआ था। और अभी वापस मैं आ रही हूँ इतने सालों बाद दानिया के साथ, विच मेक्स इट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेशल। शी इज़ माय लिटिल बेस्ट फ्रेंड, वी विल गो टू मेनी प्लेसेस टुगेदर। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जस्ट लैंडेड इन इस्लामाबाद। अभी सब लोग भाग भाग के अपना सामान उतार रहे हैं लेकिन आई गेस हम आराम से उतरे तो बेहतर है हमारे लिए। पहुँच गए हम पाकिस्तान जिंदाबाद। पता नहीं मेरी कज़न किधर खड़ी हुई, लोग तो फलांग फलांग के आ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट और दानिया का बहुत ही वार्म वेलकम हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो इसको
देख रहे हैं और इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, दानी खाओ नहीं, और जिन्होंने हमें लेने आना है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम। पूरे 9 साल बाद तोहफा लेके आई हूँ मैं, इतना बड़ा खुश हो रही हूँ। मरी मुझे डर भी लग रहा है, इसे जाके घर रोना तो नहीं है, थक तो नहीं गई बहुत ज्यादा, किसके इमोशन ही मतलब काम नहीं कर रहे अब। नहीं नहीं, दनो पाकिस्तान आ गई यार, ये सारी की सारी उसी की, सारी की सारी उसी कॉपी है। अभी हम इस्लामाबाद की सड़कों पे जा रहे हैं अपनी पनागा की तरफ। ये हैं जी दानियां, खेल रही हैं, हम रात का खाना खा के फारिग हुए और जेट लैग, दानियां रात 11 बजे जो है ये खेल रही है अपने खिलौनों के साथ। तो मिलते हैं आपसे कल फिर। The next day. Assalamualaikum. मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी, आपकी बहन सारा दिन जो है ना अपनी थकावट दूर करती रही है 13 घंटे की फ्लाइट लेने के बाद, और आप भी कह रहे होंगे कि वीडियो शुरू की है अगर आपने मेरे साथ ऐसे ही करना है। नहीं, अब वीडियो अब मैं यहाँ से रेगुलर बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाहर, ये मैंने सामान उठाया हुआ दानिया का दानिया पीछे हंस रही है, और हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, और इसके साथ साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। तो अभी टैक्सी हमने बुलाई और हम निकलने लगे हैं, चलो चले चलो चले चलो चले। हमारी इन ड्राइव आ गई है। दानिया बाद में क्यों रोई पता नहीं, वो शायद घबरा गई थी आंटी के पास। हम पहुंच गए हैं जी सफा गोल्ड मॉल। क्यों आए हम यहाँ पे, वो क्या है ना, मैं वैसे दिस फील्स सो वियर्ड टू, आई डोंट नो, आई कैन बिलीव इट, आई एम एक्चुअली इन पाकिस्तान। यू आर इन पाकिस्तान? या, दिस फील्स लाइक अ ड्रीम, कोई झापड़ मारे मुझे। दानिया बड़े होश से अजान सुन रही, सुबह भी अजान के टाइम पे उठी थी। लिफ्ट्स, दिस इज पाकिस्तान यू ऑल। नहीं, वो ये मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोगों को इधर लिफ्ट्स होती हैं। अच्छा, ये ब्रेक आउट भी है, ठीक है, ओके। ब्रेक आउट लुक्स नाइस एक्चुअली, है ना? हाँ, दिस लुक्स सो प्रिटी। मेरी औकात है लग तो नहीं रही, हमें कोई कपड़े नहीं पसंद आ रहे, हमारी औकात नहीं, अपने डिज़ाइन में अच्छे नहीं जी, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सख्त वाला, जो मुझे पसंद आ रहे हैं वो कोई लवज भी नहीं आ रहे, जो इन्हें पसंद आ रहे हैं वो मुझे नहीं आ रहे। ये तो भी सेम लगी है, मैं ये कह रही थी यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान स्टाइल, तो मे बी आई डोंट। इतना मजे का क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेबी देखो ना कितना मजे का। हम गोलगप्पे खाने पहुंच गए हैं और क्या ऑर्डर करें, दूध पीने के बाद वाली एनर्जी। हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, साफ बने हुए ना, मेरे पेट को कुछ हुआ ना तुम जिम्मेदार हो, मेरी गारंटी नहीं। कोई बात नहीं, कैसे पक्का डिसअपॉइंट तो नहीं हुई? 5/5 ओके, नॉट बैड, दैट्स गुड। अच्छा अब मैं करूँ ट्राई, प्लीज मैं पानी बेबी सिटिंग व्हाइल ईटिंग एंड आई गॉट दीस फ्रॉम माय, थैंक यू सो मच, यू वेलकम, इट स्मेल सो नाइस, ओह दे आर क्यूट। Yes, almost there. अभी हम जा रहे हैं वापस अपने पनागा की तरफ और मुझे ड्रॉप करना है प्लीज। हाँ, इनको ड्रॉप करके जान छुड़ा के।